ये मौला का बड़ा करम है। तो उस वक्त इन्होंने साथ दिया जब मेरा मजलूम इमाम करबला के मैदान में अकेला खड़ा था। हम भी आज अपनी उम्र में कहते हैं काश हम भी होते, लेकिन ये मौजूद थे, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप बहुत कुछ जानते हैं मेरे बारे में, इनके बारे में। सिर्फ एक मत्ता दो शेर कि बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में, बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। और हुस्नों खूबियों का नाम नहीं, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम है हिंदुस्तान में। और आवाज आवाज झंझरक की सारी फिजा में है, आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, और मातम की झंझरक इसी आबो हवा में है। और आखिरी शेर के इतनी जगह नहीं भाई, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहाज में, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहाज में, कितने इमाम वाले हैं हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, दोबारा पढ़िए। ज्यादा वक्त ना लूं और मैं सीधा माइक दे रहा हूं कर्नल पी एस दत्ता, जो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है मौर्या सभा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, बाबा पुरान सलवार। माइक आगे कर इमाम हुसैन साहब को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि इमाम हुसैन साहब के साथ मैं अपने पूर्वजों को भी याद कर रहा हूँ। और हम उनके बारे में बहुत किताबें पढ़ते हैं, बच्चों से भी पढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने करबला में अपने साथ बेटों को शहीद करके इमाम साहब की खिदमत करने की कोशिश की और उसमें वो शहीद हो गए। हमारी करीब आज से 1400 साल पुरानी है और हमारी दोस्ती भी अपनी बनी थी। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे साथ हुसैन साहब के ये नारा लगाए। अब मैं अपने दूसरे मेहमान नंदकिशोर जो हुसैनी ब्राह्मण है, तो उम्र का तकाजा है कि वो थोड़ा बैठ के आप लोगों से खिताब करेंगे। और आप लोगों से इल्तमास है कि आवाज़ बुलंद से एक सलवात भी। शहादत का दिन साथ मना रहे हैं हजरत इमाम हुसैन का, ये 1400 साल हमारे 1400 साल से बाकायदगी से मनाया जा रहा है। और ये बहुत कम होता है किसी भी शख्स का साल तक मातम मनाया जाए, ये बहुत बड़े फखर की बात है मेरे लिए कि मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ, भक्त हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ तो मैं कहा जाता था कि हम जो है हुसैनी ब्राह्मण है और हमने अगर हम हुसैन काम किया था और हमारे बुजुर्गों से भाग ही नहीं किया क्योंकि धन छा गया और उसका फर्क वो ले गया है। तो इसलिए हम शुरू से जो है वो शहर से हमारा जो है ये इतना सा कायम हो गया था। तो शहर को हमसे असर भी बहुत हुआ, जब भी पढ़ते थे बहुत अच्छा लगता था बड़े बड़े को, मैं शुरू में उर्दू भाषा पढ़ता रहा। तो
Thank you.